हेलो एवरीबॉडी, आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इस सीरीज में सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कॉन्सेप्ट क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इनका ओरिजिन क्या था। आज हम इसमें टॉपिक कवर करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उसमें एनर्जी डेंसिटी, पॉइंटिंग वेक्टर, इंटेंसिटी, रेडिएशन, प्रेशर को कवर करेंगे। फिर EMW का स्पेक्ट्रम देखेंगे, उस स्पेक्ट्रम की कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे और उनका न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। वास्ट प्रॉपर्टीज हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पर वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होता क्या है, इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर और प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और राइट हैंड सिस्टम के अंदर। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कैसा नेचर होता है, ट्रांसवर्स नेचर होता है। इसको इलस्ट्रेट करते हैं जरा। मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाएंगे। देखिए से ये इलेक्ट्रिक जो वेक्टर वाइब्रेट कर रहा है आपका एक्स वाई प्लेन के अंदर कर रहा है, राइट। तो दूसरा ये हमने बताया है मैग्नेटिक वेक्टर, वो वाइब्रेट कर रहा है जेड एक्स प्लेन में। देखिए एक्स वाई प्लेन तो स्क्रीन हो गया आपका और उसके परपेंडिकुलर हो गया एक्स जेड, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया, और प्रोपोगेशन का डायरेक्शन हो गया एक्स डायरेक्शन के अंदर, राइट। तो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। दिखाते हैं इस बात को अलग से। ई हमने दिखाया है अगर वाइब्रेट कर रहे हैं इसके सिग्नल्स वाई एक्सिस के लॉन्ग, बी यानी कि मैग्नेटिक वेक्टर्स जेड डायरेक्शन में, तो ये इसकी एनर्जी जो प्रोपोगेट कर रहे हैं, वेव का मोशन जिस डायरेक्शन में है उस वो है आपका, उसको हम के प्रोपोगेशन कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ के का मतलब जेड एक्सिस से नहीं है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ मोशन वो आपका एक्स एक्सिस के अलावा। तो ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे होती हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर, क्लियर। सेकेंड बात, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ वाइब्रेट करते हैं, दोनों में एक साथ वेरिएशन होता है। एक साथ वेरिएशन का मतलब क्या है, जिस इंस्टेंट पर इलेक्ट्रिक वेक्टर मैक्सिमम स्टेट पे होता है, मैग्नेटिक वेक्टर भी मैक्सिमम पोजीशन पर होता है। जिस इंस्टेंट पर आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर मिनिमम होगा तो मैग्नेटिक वेक्टर भी उसी समय उसी स्थान पर मिनिमम होगा, तो साथ साथ वेरी करते हैं। इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके कारण इसके वास्ट एप्लीकेशन है। हमारे स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की लाइट की स्पीड यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो कि वैक्यूम के अंदर होती है, इसको मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। वैक्यूम में इसका स्पीड 1/√ ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट से दिया जाता है। आइसोट्रॉपिक मीडियम यानी आइसोट्रॉपिक बोले तो जिसका डेंसिटी यूनिफॉर्म हो उसको हम आइसोट्रॉपिक मीडियम कहते हैं, उसमें स्पीड देते हैं 1/√ ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन एप्सिलॉन म्यू एप्सिलॉन। पहले मीडियम के लिए म्यू को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर और एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, राइट। अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट में 1/ वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बनाता है, तो ये सी बाई एन। एन क्या है, रिफ्रैक्टिव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है वो विजिबल इफेक्ट क्रिएट करता है, ऑप्टिकल इफेक्ट क्रिएट करता है, इसलिए उस इलेक्ट्रिक वेक्टर को, दो वेक्टर थे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक वेक्टर को लाइट वेक्टर भी बोला जाता है, राइट। से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, साइनसोइडल वेरिएशन है साइन वेव्स के अनुसार, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस, अगर माइनस एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता तो यहाँ प्लस आ जाता। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरल जो हमारी वेव्स होती हैं उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है, यानी रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लीनियर इक्वेशंस की तरह प्लस और माइनस कर सकते हैं। वेव इक्वेशंस की तरह ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो अभी हमने रिप्रेजेंट की थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिप्रेजेंट करेंगी अगर उसका इलेक्ट्रिक वेक्टर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे,
इसी तरीके से मैग्नेटिक वेक्टर जो हमने लिखा था b इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, देन ओनली वो रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। ये मैकेनिकल वेव्स में भी इस तरह की इक्वेशन होती है। अब मीडियम जिसमें कि ये प्रोपोगेट करती है, ठीक है कि इनको रिक्वायरमेंट नहीं होता, फिर भी उनकी वजह से कुछ अपोजिशन क्रिएट होता है, उस हिंड्रेंस उस अपोजिशन को वेव इम्पीडेंस कहते हैं, जैसे जेट रिप्रेजेंट करते हैं। वैक्यूम या फ्री स्पेस में जो जेड होता है ई बाई एच के रेशियो के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और ये दोनों कॉन्स्टेंट है एसआई सिस्टम में। ये वैल्यू अगर हम रख दें कैलकुलेट करें तो इट कम्स आउट टू बी 376.6, तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। आप चाहें तो इसको याद रख लें कि वैक्यूम के अंदर ईएमडब्ल्यू के रास्ते में हिंड्रेंस कितना होता है, इम्पीडेंस कितना होता है, 376.6, राइट। अगर मीडियम की बात करते हैं तो ये म्यू नॉट की जगह म्यू लिख देंगे हम, और एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन, और इसको दो पार्ट में म्यू नॉट एप्सिलॉन आर, म्यू नॉट एप्सिलॉन आर, इस तरीके से। ओके, अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन होता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। वैक्यूम या फ्री स्पेस में हम बात करें ई बाई बी, तो बी को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एच, राइट, और E बाई एच के रेशियो को अभी हमने Z में देखा था स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये स्क्वायर रूट वाला इससे कैंसिल करेगा तो ये आ जाएगा, और अल्टीमेटली इट कम्स आउट टू बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वैक्यूम, यस और नो। तो आप याद रखें E बाई बी इक्वल टू सी, न्यूमेरिकल में कम आएगा, राइट। एनर्जी डेंसिटी इन फ्री स्पेस, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में देखा था कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, उसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बी स्क्वायर बाय ट्वाइस म्यू नॉट के बराबर। इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी, किसी इंस्टेंट पर एनर्जी डेंसिटी की बात करें, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी से स्टार्ट करते हैं बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट, ओके। और E और B में रिलेशन हमने देखा था, तो B को हम ऐसे लिख सकते हैं E by C, क्यों? C क्या था? E by B था, तो B की वैल्यू हम रख देंगे E by C, क्लियर है, राइट? और C की वैल्यू क्या था? 1 over square root of mu naught epsilon naught के स्क्वायर करेंगे तो इतना, तो mu naught से mu naught कैंसिल, तो ये तो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी के बराबर आ गया जो कि यू ही था। तो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि एनर्जी ऑफ EMW जो होता है किसी गिवन वॉल्यूम में, गिवन वॉल्यूम क्यों? क्योंकि हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं, वो इक्वली शेयर होता है टू फील्ड्स में, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में। हमसे कोई पूछता है टोटल इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी, ये टर्म्स का ध्यान दीजिए, टोटल दोनों को सम करें, राइट, मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है, अभी हमने प्रूव किया यहां पर, तो इट इज एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में लिखते हैं तो बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट आ जाएगा। फिर हमसे कहते हैं टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, इसका एवरेज, तो आइदर मुझे ई स्क्वायर का एवरेज लेना है, राइट, या बी स्क्वायर का एवरेज, जो वेरिएबल उसी का एवरेज लेना। तो ई का जो फंक्शन था, याद करो ई नॉट साइन विद इन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के एक्स था, तो साइन स्क्वायर का जो एवरेज होता है वो हाफ होता है, तो इसका एवरेज करेंगे तो 1/2 और ई नॉट स्क्वायर, राइट, या फिर बी नॉट स्क्वायर बाई टू मी नॉट। तो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी डेंसिटी तो कह दिया, लेकिन एनर्जी डेंसिटी को अच्छे से पढ़ना कि कौन सी एनर्जी डेंसिटी, वेदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी या मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी या इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी या फिर टोटल या फिर एवरेज एनर्जी डेंसिटी पूछा है, तो 5 तरीके की ये एनर्जी डेंसिटी हो सकती हैं, तो न्यूमेरिकल में मिस्टेक हो जाती थोड़ा ध्यान से। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट, बेसिकली इंटेंसिटी है, ई बाई ए और डिनोमिनेटर में टाइम इंटेंसिटी होता है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं एस वेक्टर से, ये होता है 1/μ0 ई क्रॉस बी से, जो बेसिकली डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये हमने देखा था, इधर इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेट करा था आपका मैग्नेटिक, तो वहाँ शुरू में हमने देखा था प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट के, है ना,
तो बेसिकली ये क्या होता है प्रोपगेशन, ये डायरेक्शन जो देता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉइंटिंग वेक्टर कहलाता है, कि इस वेक्टर के अलोंग एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ट्रांसमिट होती है, राइट। वो वेलोसिटी ऑफ लाइट को दिखाया गया है यहां पर। डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इस वेक्टर का डायरेक्शन प्रोपगेशन का डायरेक्शन होगा। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें पर, तो ई क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ई बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर था, साइड 90 था, तो दोनों के बीच में ई और बी के बीच में हमेशा तो वन हो गया बाय म्यू नॉट, और बी ई बाय बी क्या था, सी ई बाय बी सी था, तो बी क्या हो गया ई बाय सी, तो वैल्यू रख दें यहाँ पर। या फिर हम बी की टर्म्स में लिखना चाहें ई बाय बी सी था, ठीक है, ई बाय बी सी था, तो ई को हम सी इंटू बी लिख दें, तो सी बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट होगा। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, क्लियर। अब ये कहां से आया, बार बार हम ये बी की वैल्यू रखा है इससे, वैसे याद रखें आप सी इक्वल टू ई बाई बी से। ऐसा यूनिट इसका बेसिकली शुरू में ही हमने देखा कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, ये एनर्जी टाइम एरिया जूल पर सेकंड एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, इज इट। अब हमसे कहा जाए इंटेंसिटी ऑफ ए साइनसॉइडल प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो एक्चुअली पॉइंटिंग वेक्टर भी एक, अगर मैथमेटिकली हम देखें, न्यूमेरिकली देखें, तो इंटेंसिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन एग्जैक्टली एवरेज वैल्यू एक साइकिल के अंदर पॉइंटिंग वेक्टर का, दैट्स द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कॉन्सेप्चुअली, राइट। तो एवरेज लिया तो ये बार लगा दिया इस पर, आई फॉर इंटेंसिटी, ये बार लगा दिया इस पर। तो जब हम इनका एवरेज लेते हैं तो इट कम्स आउट टू बी स्क्वायर, ये हमने ऐसा भी लिखा था है ना, या सी बी स्क्वायर में, तो एवरेज लगा देते पहले तो। फिर ई क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, बी क्या था ये, तो इनके स्क्वायर्स की बात मैं करूंगा, स्क्वायर अभी थोड़ी देर पहले भी किया हमने, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज कितना होता है हाफ, तो ई स्क्वायर का एवरेज लेंगे तो एक हाफ का फैक्टर साथ में आ जाएगा, ये हाफ का फैक्टर आ जाएगा, तो दिस इज द इंटेंसिटी, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो मूवमेंट करती हैं अपने साथ साथ मोमेंटम कैरी करते हैं, मोमेंटम टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स हो गया, और जिस एरिया पर इंसिडेंट हो रही हैं तो फिर वो प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, एंड दैट इज नॉन एज द रेडिएशन प्रेशर। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी इस बात को हम लोगों ने डिस्कस किया था, जितना इंसिडेंट हो रहा है वापस रिटर्न हो रहा है, तो ये होता है 2i/c के बराबर, और आई क्या था, पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज, राइट, आई इंटेंसिटी एज पॉइंटिंग वेक्टर हमारा, राइट, और परफेक्टली अब्सॉर्बिंग है तो वापस रिटर्न नहीं होगा, इसका हाफ कर देंगे अपन, पी क्या होगा आई बाई सी या एस एवरेज डिवाइडेड बाई सी। अब एग्जाम कोई भी हो लेकिन एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके प्रॉपर्टी पे जरूर आता है, तो एक क्वेश्चन हम चलिए नीट से ले लेते हैं। हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस मीडियम के अंदर जो प्रोपोगेट कर रही हैं उसमें एक्स कंपोनेंट उसका जीरो है और जेड कंपोनेंट जीरो, वाई कंपोनेंट हमको गिवन है। साइन इक्वेशन की तरह से कॉस इक्वेशन में दे रखा है, टी का कोफिशिएंट हमेशा ओमेगा होता है ध्यान रहे, और एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है के ओमेगा टी माइनस के एक्स एस। फिर हमसे डायरेक्शन पूछा है, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। सबसे पहले इक्वेशन लिख लिया, देखिए करने का तरीका, कॉस में तो कॉस का इक्वेशन लिख लिया ओमेगा टी माइनस के एक्स, स्टेप बाय स्टेप चले, माइनस है तो आप कह देंगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएंगे, क्लियर। फ्रीक्वेंसी निकालना है तो देखिए ओमेगा की वैल्यू ये आपके पास है फर्स्ट ब्रैकेट, ओमेगा क्या है 2π × 10⁶, ओमेगा क्या होता है 2πf, 2π से 2π कैंसिल कर दें, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गया 10⁶, क्लियर। वेवलेंथ की बात करें, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है के, क्या होता है के, तो के की वैल्यू के क्या होता है 2π/λ, मैकेनिकल वेव्स याद करें पाई से पाई कैंसिल कर दें, तो लैम्डा कितना आ जाएगा हमारे पास 200 मीटर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में है वो हमको इक्वेशन दे रखा है, ई कॉस की इक्वेशन है और हमसे वेव फैक्टर के दे रखा है, राइट। सबसे पहले अपना काम क्या होता है, जो गिवन इक्वेशन है ये देख लो, साइन में कॉस में, कॉस में है तो कॉस जैसा बना लो, ठीक है, बाकी आपको चेंज नहीं करना है, साइन भी नहीं चेंज करना है, टी है उसका कोएफिशिएंट ओमेगा है, एक्स हो सकता है वाई हो सकता है ना, उसका कोएफिशिएंट आपका के होता है, एक बात है ना, कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसा वैसा का वैसा बना लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आगे चलो, कंपेयर करना स्टार्ट करो, ओमेगा क्या है 6 × 10⁸,
राइट। फिर वेव नंबर आओ, मैकेनिकल वेव्स में वेव नंबर के ओमेगा बाय वी, क्या कहते हैं, ओमेगा बाय वी या ओमेगा बाय सी कर देंगे, क्योंकि हमारे ईएमडब्ल्यू किसे चलती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से। फाइन, ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास में 6 × 10 पर, वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में 3 × 10 पर है, गिवन है वैक्यूम, राइट। तो ये हमारा आ गया 2 मीटर है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, एक ईएम वेव है मीडियम में प्रोपोगेट कर रहा है वेलोसिटी से प्लस एक्स डायरेक्शन, ठीक है। फिर जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो प्लस वाई डायरेक्शन में। फिर आपसे पूछा गया है कि जो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ईएम वेव में उसका डायरेक्शन बताइए। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेक्टर वेव हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, याद करो प्रोपोगेशन के, इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के, राइट ओके। तो v का डायरेक्शन होगा लॉन्ग e क्रॉस b वेक्टर, क्यों, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं भाई, e क्रॉस b का जो डायरेक्शन होगा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, वही डायरेक्शन होती है हमारी emw की डायरेक्शन, समझ में है ना। तो ये हमको दे रखा है vi और e वेक्टर हमको दे रखा है प्लस y में, तो j कैप कह दिया, इसको चेंज नहीं किया। अब आप खुद बताओ j का क्रॉस प्रोडक्ट किससे करें कि i कैप आ जाए, j क्रॉस k ही तो i आता है, तो b वेक्टर की डायरेक्शन क्या k में आ गई क्या, यस और नो, राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग प्लस z डायरेक्शन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं j का, इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे रखा है फ्रीक्वेंसी 50 MHz, फिर स्पेस में पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर स्पेस और टाइम पर E वेक्टर हमको दे रखा है 6.3 J/kF वोल्ट पर। अब आपसे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का इसी पॉइंट के ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो होता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, इनके प्लेन के परपेंडिकुलर, ये देखो अलोंग E क्रॉस B, E वेक्टर और B वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा E क्रॉस B की डायरेक्शन, क्लियर। अब देखिए दोबारा से, ये हमको दोबारा से जे दे रखा है, तो बी का डायरेक्शन क्या आ गया, के आ गया क्या पहले, तो यस बी के कैप हो गया एक बात। फिर थोड़ी देर पहले हमने देखा कि सी क्या होता है, ई बाई बी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं अपन बी की, ई बाई सी, ई कितना दे रखा है मैग्नीट्यूड कितना 6.3, सी की वैल्यू रख दिया तो न्यूमेरिकली कट करने पर इतना आ जाएगा हमारे पास, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया और ये डायरेक्शन आ गया, तो बी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं 2.1 × 10⁻¹ और डायरेक्शन क्या है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेई से लेने जा रहे हैं कि आप ईएमडब्ल्यू एयर से और एक मीडियम में एंटर करती है, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ए1 इक्वेशन से दिया जाता है और मीडियम में ए2 से। सेकंड बात, इंपॉर्टेंट बातें जो इस पर ध्यान देना है, वेव नंबर के और फ्रीक्वेंसी न्यू एयर में है, तो मीडियम में कितना है ट्वाइस ऑफ के ध्यान देंगे, फिर मीडियम है हमारा नॉन मैग्नेटिक, फिर एप्सिलॉन R1 और एप्सिलॉन R2 रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है एयर और मीडियम में, तो इनका रेशियो बताइए। सबसे पहले EMW का एयर में वेलोसिटी c ओमेगा बाय k, क्यों, k क्या होता है ओमेगा बाय c। मीडियम में बात कर लेते हैं EM वेव का, इसी तरीके से ओमेगा मीडियम, ओमेगा और डिवाइडेड बाय k मीडियम, राइट। ओमेगा मीडियम, तो मीडियम में देखें अपन टी का जो कोफिशिएंट होता है ओमेगा होता है, तो एक ब्रैकेट ओपन करेंगे तो के मल्टीप्लाई बाय सी ये आ जाएगा हमारे पास। मीडियम में के कितना है, देखिए इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ट्वाइस ऑफ के, समझ में आ रहा है, के से के कैंसिल तो सी बाई टू हो गया, तो मीडियम में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितनी है हाफ, एक तरीके से रिलेशन आ गया, राइट। अब वेलोसिटी किसी मीडियम में क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, 1/√εμ, राइट। अब नॉन मैग्नेटिक बोला गया है, नॉन मैग्नेटिक है तो μ1 μ2 दोनों 1 कह देंगे, है ना। अब एयर और मीडियम में वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेशियो ले लें, राइट। तो आपका म्यू वाला फैक्टर तो आएगा नहीं, केवल एप्सिलॉन का आएगा, है ना। अब ये रेशियो हम देख लें एयर और मीडियम का, एयर और मीडियम का, एयर और मीडियम का सी डिवाइडेड बाई सी मीडियम, तो कितना आ जाएगा 2, क्लियर है। अब ये एप्सिलॉन R2 तो ऊपर आ जाएगा, एप्सिलॉन R1 तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या 4 आ जाएगा क्या, है ना। तो एप्सिलॉन R1 और एप्सिलॉन R2 कितना आएगा 1/4, क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड
प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही कुछ ऐसा दिया जाता है, थोड़ा सा डरावनी सी इक्वेशन है, डरना नहीं है, है ना। बी वन बी टू यहाँ पर जो मेंशन है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है आपको। फिर आरएमएस वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द स्टेशनरी चार्ज, एक अच्छा क्वेश्चन, टेंस टू माइनस माइनस फोर कूलम, कब कहाँ पर, जेड इक्वल टू जीरो के क्लोजेस्ट में कितना होगा। पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सबसे गलत। अब देखिए यहाँ पर बी वन ए आई है, बी टू जे कैप है, तो इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं दोनों, अगर इसको अलग अलग करें अपन तो इनका पीक वैल्यू कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी वन स्क्वायर बी टू स्क्वायर, ये बी वन स्क्वायर है बी टू स्क्वायर। टेंस टू माइनस सिक्स को मैं कॉमन ले लूँ, ये सिक्स कैसे बनेगा यहाँ पर, यहाँ थर्टी इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस फाइव मान सकते हैं, तो थर्टी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, तो ये तो अप्रॉक्सीमेटली थर्टी की कई हो जाएगा, है ना, इंटू टेन टू माइनस सिक्स टेस्ला। एक बात, अब आ जाते हैं हम वेलोसिटी ऑफ ई एम डब्ल्यू, ई नॉट बी नॉट। तो पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहे तो सी इंटू बी नॉट आ गया, बी नॉट अपन ने फाइंड कर लिया है, सी क्या है थ्री इंटू टेन पावर एट, बी नॉट क्या है थर्टी इंटू टेन पावर माइनस सिक्स, मल्टीप्लाई कर दें इसको, थ्री को थर्टी से किया नाइनटी और टेन स्क्वायर है यहाँ पर, तो नाइन इंटू टेन पावर थ्री वोल्ट पर आ जाएगा, चेक करो, राइट। ओके, अब आरएमएस वैल्यू की बात कर लेते हैं। आरएमएस वैल्यू याद करो, इसी में जैसे पढ़ते हैं उसी तरीके तो है, साइन कॉस वेव ई नॉट बाई रूट टू, तो ये तो पीक वैल्यू चल रहा है तो बाई रूट टू का डिवाइड कर देंगे, तो ये ई आरएमएस हमारे पास में आ गए। अब हमसे बोला आरएमएस वैल्यू तो फोर्स, फोर्स तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स क्या होता है q into e, चार्ज की वैल्यू रखिए 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 0.9 और 1 बाय रूट 2 कितना होता है 0.707, तो अप्रोक्सीमेटली कितना जाएगा 0.64 न्यूटन। एक अच्छा क्वेश्चन है, गुड। एक और लेते हैं 2020 का, यही का प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है 2 × 10⁻¹, एनर्जी डेंसिटी ये दे रखा है वैक्यूम में, फिर हमसे पूछा है द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव अप्रोक्सीमेटली, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी याद करो, हमने रेफर किया था बी स्क्वायर बाय 2 बी नॉट। अब एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर ले, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की बात कर ले यहां से, तो बी स्क्वायर तो क्या हो गया ट्वाइस म्यू नॉट म्यू बी, तो स्क्वायर मेरे को करना पड़ेगा बी, राइट। म्यू नॉट की वैल्यू 4π·10⁻¹ स्टैंडर्ड होता है एसआई के अंदर, यू बी हमको दे रखा है क्वेश्चन में, ये रहा 1.02 × 10⁻¹⁸, सॉल्व कर ले, ऐसा कुछ लिख सकते हैं तो इजी हो जाएगा ना, इसका रूट लेना, ये 16 का होता है, ये 10⁻¹⁸, तो 160 नैनो टेस्ला हमारे पास है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये कुछ नहीं, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उन सबको इकट्ठा कर लें सबसे पहले, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाएगा सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। उसमें रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, और भी अलग कुछ आप जानते हैं, टेलीविजन वेव, रेडार वेव, सारा मिलके ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। एक छोटी सी बात पहले, फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है इसको हम अलग अलग रीजन्स में, जोन्स में बांट सकते हैं, या तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से या वेवलेंथ के हिसाब से, इनको डिफरेंट जोन्स में हम बांट सकते हैं अलग अलग, या तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बांटेंगे या फिर वेवलेंथ के हिसाब से बांट दिया जाता है, ठीक है। हमने कुछ इसको इस तरीके से बांटा है कि आपको याद रखना आसान हो, देखिए डिफरेंस 10⁵, 10⁵, 10⁵ का, यहाँ भी आप देखिए, यहाँ मैंने सेंटीमीटर लिया हुआ है, इस बात का ध्यान रखना, वही 10⁵ का डिफरेंस लिया है, तो आपको याद रखना आसान हो अगर एकेडमिक एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो। एक बात, दूसरा अब गौर से देखो, हमारी जो रेडियो वेव है उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा, वेवलेंथ बोले तो दो कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट के बीच का सेपरेशन, राइट। लेकिन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होता है, राइट। वेरस गामा रेज की बात करें तो आप देखें कि दो क्रस्ट के बीच का डिफरेंस कंपेरेटिवली बहुत कम हो गया है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो गामा रेज का एनर्जी बहुत ज्यादा हो गया, क्लियर।
हाँ, ये 10^-5 सेंटीमीटर से कम की तरफ चले अपन, तो ये मैंने यहाँ पर वायलेट लाइन बनाई है, एक ये रेड लाइन बनाई है, ये आपकी विजिबल स्पेक्ट्रम को शो करेगा अल्ट्रा वायलेट रे और इंफ्रारेड रे के बीच का, राइट। ये वाला जोन ये आपका विवग्योर को शो कर रहा है, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड, फाइन। अब ये पूरा स्पेक्ट्रम है, ये वेव्स हमारी बिल्कुल अनडाउटली बहुत काम की हैं, वेरियस फील्ड में इनकी एप्लीकेशंस हैं। जैसे रेडियो वेव्स की बात करें तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, वाईफाईज में हमारे काम में आती है, रेडार सिस्टम्स में काम में आती हैं, रेडार वेव का यूज करते हैं अनडाउटली, जो रेडार्स होते हैं आजकल वेदर फॉरकास्टिंग एंड एविएशन यानी एयरक्राफ्ट वगैरह में काम में लेते हैं, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, बड़े बड़े टावर्स आपने पुराने टाइम में देखे होंगे ऊपर लगे रहते थे, उसमें टेलीविजन वेव का यूज होता है, उसमें वीडियो और ऑडियो सिग्नल का ट्रांसमिशन किया जाता है, माइक्रोवेव को यूज करते हैं कुकिंग में और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, है ना। रेडियो वेव माइक्रोवेव दोनों अलग अलग रेंज के अंदर वायरलेस कम्युनिकेशन, सैटेलाइट ट्रांसमिशन और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स में काम में ली जाती हैं। इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं हमारी, वो रिमोट कंट्रोल में, आप आजकल तो घर घर में ब्लूटूथ से कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं, वायरलेस सारे रिमोट्स होते हैं आपके, ये सारे सारे डिवाइस वायरलेस टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं, इन सब में हम इंफ्रारेड वेव्स को यूज कर रहे हैं। फिर थर्मल इमेजिंग यूज करते हैं इंफ्रारेड से थर्मल इमेजिंग, उससे नाइट विजन कैमराज बनते हैं, सिक्योरिटी कैमराज बनते हैं, है ना, जो कि डे और नाइट टाइम दोनों में विजिबल होती है इंफ्रारेड रेज, तो इसलिए इनका काफ़ी सारा एप्लीकेशन है। फिर बीच में हमने जो वायलेट से रेड तक बताया था विजिबल लाइट है, वो तो हमारा बहुत काम का है, विजिबल स्पेक्ट्रम पूरा ये संसार, ये खूबसूरत दुनिया को हम देख पाते हैं। एक्सरे की एप्लीकेशंस, वास्ट एप्लीकेशंस हैं मेडिकल साइंस में, आप जानते ही हैं एक्सरेज में इमेजेस तैयार की जाती हैं एक्सरे के द्वारा, नॉट ओनली जो आप जानते हैं मेडिकल साइंसेस में, मेटल इंडस्ट्रीज के अंदर इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द वेल्डिंग एंड द क्रैक्स जो होते हैं, हाई एनर्जी की एक्सरे यूज की जाती है, और ज़्यादा चाहिए तो फिर गामा रे को भी यूज करते हैं, मेटल की थिकनेस और डेंसिटी का मेजरमेंट करते हैं। आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पर बैगेज इन कार्गो की स्कैनिंग की जाती है, कुछ उसमें अनवांटेड मटेरियल तो नहीं है। फाइनली गामा रे की एप्लीकेशंस देखते हैं, रेडिएशन थेरेपी जो कैंसर के उपचार के लिए काम में ली जाती है, उसमें डिफरेंट टाइप के डायग्नोस्टिक इमेजिंग तैयार की जाती है गामा कैमरे से, कुछ बॉडी के फंक्शंस को स्टडी करने के लिए रेडिएक्टिव ट्रेसेस की स्टडी करते हैं, मेडिकल सप्लाईज में स्टेबलाइजेशन के लिए काम में लेते हैं, फाइन। तो दीज आर द फ्यू एप्लीकेशंस लेकर आए हैं कि ये कुछ एप्लीकेशंस है, इनका कोई लिमिट नहीं है, इतनी सारी यूजेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, राइट। तो ये दो लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंप्लीट किया, मिलते हैं नेक्स्ट, ये ऑप्टिक्स के टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।